Good morning, friends. I'm RK. Today I am going to teach you an interesting story, The Aunt and the Grasshopper, written by William Somerset Maugham. William Somerset Maugham was an English playwriter, novelist, and story writer. He was born on 25th January 1874 at Paris in France. His father's name was Robert Morendo his mother's name was Edith Mary, and he was among the most popular writers of his age. He was the highest paid writer during 1930. His important works are as of human bondage, The Painted Well, The Moon and the Six Fans, A Man of Honor, Lady Frederick, etc. He died 16 December 1965 in France. So, student, in the story The Aunt and the Grasshopper, the writer tells us about two brothers, George Ramsey and Tom Ramsey. George Ramsey was very respectful and honest. He was hardworking and dutiful. Uh, uh, he was faithful to his wife and children. On the other hand, uh, Tom Ramsey was a black sheep. He was hasty, loose. In morals and immoderate, and he was very careless about the prestige of his family. But in the end of the story, George Ramsey suffered a lot while Tom Ramsey passed a carefree life after being engaged with an aged woman. That woman was of his mother's age, she died and left everything to be inherited by Tom. So, student, this story is a satire, generally, it is taught as a moral that industry is rewarded.

सर्टेन ऑफ द फेबल्स फेबल्स कहते हैं नीति कथाएं छोटी चुड़ छोटी कथाएं ऑफ़ ला फाउंटेन ला फाउंटेन की कुछ कथाएं मुझे ज़बानी याद कराई गई ला फाउंटेन वॉज ए फ्रेंच पोएट एंड राइटर हु कम्पोज एंसियंट फेबल्स फॉर चिल्ड्रन मतलब ये एक फ़्रेंच पोएट और राइटर थे जो बच्चों के लिए छोटी छोटी नीति कथाएं लिखते थे तो मुझे ला फाउंटेन की कुछ कहानियों को ज़बानी मौखिक रूप से याद कराया गया था एंड द मॉरल ऑफ ईच केयरफुली एक्सप्लेन टू मी और प्रत्येक से मिलने वाली नैतिक शिक्षा को मुझे सावधानी पूर्वक एक्सप्लेन किया गया था समझाया गया था बहुत ही सावधानी से अमंग दोस्त उन कहानियों में आई लैंड जो मैंने याद की थी वॉज द आंट एंड द ग्रास होपर उन कहानियों में जो मैंने याद की थी एक चीटी और एक टिड्डी की कहानी भी थी विच इज़ डिवाइज जिसे तैयार किया गया था डिवाइज मीन थाट आउट जिसे डिवाइज किया गया था टू ब्रिंग होम समझाने के लिए टू द यंग छोटे बालकों को द यूजफुल लेसन इस लाप्रत लेसन को मीन्स जिसका उद्देश्य ये छोटे बच्चों को इस लापरद शिक्षा को देना था दैट कि इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इस अपूर्ण संसार में इम्परफेक्ट वर्ल्ड इस अपूर्ण संसार में इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड परिश्रम को पुरस्कार मिलता है एंड गिरीनेस, लापरवाही और आलश्य को पनिश किया जाता है इन दिस एडमारेबल फेबल इस प्रशंसनीय कहानी में आई एपोलोजाइज मैं क्षमा चाहता हूँ आई एपोलोजाइज मैं क्षमा चाहता हूँ फॉर टेलिंग समथिंग वो बात बताने के लिए क्षमा चाहता हूँ विच जिसे एवरी हर कोई इज पोलाइटली मैं इस कहानी में उस बात को बताने के लिए क्षमा चाहता हूँ जिसे हम पोलाइटली बड़ी विनम्रता पूर्वक बट इन एग्जैक्टली परंतु भूलवश ये समझते हैं कि एवरी वन सपोज टू नो कि हर कोई इस बात को जानता है द आंट स्पेंड्स अ लेपोरियस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर चीटी अपने विंटर के लिए अपनी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए गर्मियाँ पूर्वक बिताती है लेबोरियस समर करती है मतलब अपने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए चीटी अपना जो गर्मियाँ वो परिश्रम के साथ बिताती है जबकि ग्रास होपर वाइल जबकि वाइल जबकि ग्रास होपर टिड्डा सिट्स ऑन ए ब्लेड ऑफ ग्रास वो घास की एक पत्ती पर बैठा रहता है सिंगिंग टू द सन वो एक घास की पत्ती पर बैठ कर सूर्य की ओर मुँह करके गीत गाता रहता है विंटर कम्स सर्दियाँ आती है एंड आंट इज़ कम्फर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर चीटी को आराम से भोजन मिलता है कम्फर्टेबली आराम से भोजन मिलता है बट द ग्रास होपर हैज़ एन एमटी लाडर ग्रास ओपर का टिड्डे का जो गोदाम था वो एकदम खाली था लाडर कहते हैं वेयर द रूम वेयर द फूड इज़ कैप्ट जो ग्रास ओपर का लाडर था वो एकदम खाली था गोदाम एकदम खाली था ही टू द आंट वो चीटी के पास गया एंड बैग्स फॉर ए लिटिल फूड और थोड़ा सा भोजन मांगता है उससे दैन तब आंठ चीटी गिफ्ट देती है हिम उसे हर क्लासिक आंसर तब चीटी उसे अपना वो सर्विदित उत्तर देती है व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे सेविंग योर प्रजेंस भगवान आपका भला करे यह है एक रेस्पेक्टफुल फॉर्म ऑफ एड्रेस मतलब अपनी बात को कहने का एक संबोधन करने का तरीका है कि भगवान आपका भला करे आई सेंग मैं गाता था आई सेंग मैं गाता था ऑल डे दिन भर ऑल नाइट रात भर मैं दिन भर गाता था और रात भर गाता था यू सेंग वाई तो तुम गाते थे देन गो एंड डांस तो अब जाओ और नाचो आई डोंट एस्क्राइब आई डोंट एस्क्राइब इट टू द परवर सिटी ऑन माई पार्ट बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड विच इज़ deficient इन मॉरल सेंस दैट आई could नेवर क्वाइट reconcile myself to टू द लेसन कि मैं कभी भी इस पार्ट से इस कहानी की इस पार्ट इस कहानी की शिक्षा से अपने आप को कभी भी रिकाउंसिल नहीं कर पाया सहमत नहीं कर पाया क्वाइट uh, मीन्स बिल्कुल भी रिकाउंसिल सहमत नहीं कर पाया माई सेल्फ अपने आप को टू द लेसन इस कहानी की शिक्षा से मैं कभी भी अपने आप को सहमत नहीं कर पाया इस पार्ट से आई डोंट डिस्क्राइब इट और मैं इसे नहीं मानता हूँ टू द परवर्सिटी ऑन माई पार्ट मैं इसे अपनी जिद की वजह से नहीं मानता हूँ बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड बल्कि बचपन की बुद्धि की जो परिपक्वता होती है उसके कारण विच इज डिफिशेंट जिसमें कमी होती है इन मॉरल सेंस जिसमें मॉरल सेंस की कमी होती है नैतिक ज्ञान की कमी होती है ऐसा इस उसकी वजह से होता है इसलिए मैं कभी भी अपने आप को इस पार्ट से सहमत नहीं कर पाया माई सेम्पैथीज मेरी सहानुभूति वर्मस्थी विद्या ग्रास हो पर मेरी सहानुभूतियाँ वो टिड्डे के साथ थी एंड फॉर सम टाइम कुछ समय तक आई नेवर सा मैं कभी नहीं देखा एन नॉट एक चीटी को विदाउट पुटिंग माई फूड ऑन इट और कुछ समय तक तो मैं एक चीटी को देखते ही उस पर पैर रखे बिना रहता ही नहीं था मतलब उस पर पैर रखे बिना नहीं रहता था इन दिस समरी इस कहानी में एंड एज़ आई हैव डिस्कवर्ड सिंस जैसा कि मुझे बाद में पता चला है एंटायरली ह्यूमन फैशन संपूर्ण मानवीय ढंग से आई सॉट टू एक्सप्रेस मैंने व्यक्त की थी माई डिसूवल अपनी सहम असहमति व्यक्त की थी ऑफ प्रूडेंस विवेक एंड कॉमन सेंस विवेक और समझदारी के प्रति मैंने अपनी असहमति व्यक्त की थी आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल यानी यह फेबल ये कहानी मुझे सहज ही याद आ गई इसे याद करने मुझे हेल्प नहीं करनी पड़ी मतलब ये कहानी मुझे सहज ही याद आ गई वेन द अदर डे जब दूसरे दिन आयसा मैंने देखा जॉर्ज रामसे को देखा लंचिंग लंच करते हुए बाय हिमसेल्फ अकेले इन ए रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में उसे लंच करते हुए अकेले देखा आई सा मैंने कभी नहीं देखा था आई सा मैंने कभी नहीं देखा एनिवन किसी को वियर धारण किए हुए वियर धारण किए हुए एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम ऐसे गहरे दुख के दुख के भाव को धारण किए हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा था मतलब इतना दुखी मैंने कभी किसी को नहीं देखा था ही वॉज स्टेयरिंग इन टू स्पेस वो स्पेस में घूर रहा था अंतरिक्ष में तारों में घूर रहा था लुक्ड वो लग रहा था एज दो मानों की द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सारी दुनिया का भार सेट ऑन हिज शोल्डर्स के कंधों पर आ गया हो आई वॉज सॉरी फॉर हिम उसे देख कर मुझे बहुत दुख हुआ आई सस्पेक्टेड एट वंस मुझे तुरंत आकांक्षा हुई तुरंत आशंका हुई तुरंत संदेह हुआ दैट कि हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन कि उसका अभागा भाई फिर उसे कोई ट्रबल दे रहा है फिर से कोई परेशानी कर रहा है आई वेंट अप टू मैं उसके पास गया एंड हेल्ड आउट माई हैंड और अपना हाथ बढ़ाया हाउ आर यू आप कैसे हो आई आस्क मैंने पूछा आई एम नॉट इन हिलेरियस स्प्रिट ही आंसर्ड उसने उत्तर दिया कि मैं प्रसन्नचित मुद्रा में नहीं हूँ इज इट टॉम अगेन क्या फिर कोई टॉम का ही मामला है ही साइड उसने आह भरी यस इट इज़ टॉम अगेन हाँ फिर टॉम का ही मामला है टॉम की ही बात है वाई डोंट यू चक हिम तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो यू हैव डन तुमने किया है एवरी सब कुछ किया है इन द वर्ल्ड इस संसार में फॉर हिम उसके लिए तुमने उसके लिए संसार में सब कुछ किया है यू मस्ट नो बाई नाव अब तक तुम्हें जान लेना चाहिए दैट की ही इज़ क्वाइट हॉपलेस वो बिल्कुल हॉपलेस है उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती आई सपोज मैं मानता हूँ कि एवरी फैमिली हर फैमिली में हैज़ ए ब्लैक शिप हर फैमिली में एक आध व्यक्ति ऐसा यूजलेस फैलो होता है कुल को कलंकित करने वाला व्यक्ति होता है हर फैमिली में टॉम हैड बीन ए सोर ट्रायल सो ट्रायल मीन्स होता है एक सोर्स ऑफ ए ग्रेट ट्रबल बहुत बड़ी मतलब टॉम एक दुख का कारण रहा है टू तो हिम उसके लिए फोर ट्वेंटी ईयर्स टॉम बीस सालों से उसके लिए दुख का कारण रहा है ही हैड बिगन लाइफ रिसेंटली इनफ उसने काफ़ी अच्छे से अपना जीवन अपना करियर की शुरुआत की थी ही वेंट इन टू बिज़नेस उसने अपना बिजनेस शुरू किया बिजनेस में गया मैरिड शादी की एंड हैड टू चिल्ड्रन उसके दो बच्चे भी हुए थे उसके दो बच्चे भी हुए थे द राम सेज वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल राम सेज परिवार के लोग पूरी तरह से सम्मानित हुआ करते थे सम्मानित लोग हुआ करते थे एंड देर वॉज एवरी रीज़न टू सपोज हर रीजन से ये माना जाता था दैट कि टॉम राम से वुड हैव ए यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर कि टॉम राम से एक बहुत ही उपयुक्त अच्छा और एक सम्मानित जीवन बिताएगा बट वन डे लेकिन एक दिन विदाउट वार्निंग बिना किसी पूर्व वार्निंग के ही अनाउंस्ड उसने अनाउंस कर दिया उसने घोषणा कर दी दैट की ही डिड नॉट लाइक वर्क उसे काम करना अच्छा नहीं लगता है एंड दैट ही वॉज सूटेड फॉर द मैरिज और वो इस विवाह के बंधन का भार उठाने में सक्षम नहीं है मतलब वो इस विवाह के लिए सूट नहीं है ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ वो अकेले इंजॉय करना चाहता था मौज उड़ाना चाहता था ही वुड लिसन टू नो एक्सपॉस्टुलेशन उसने किसी का कोई तर्क नहीं सुना ही लेफ्ट हिज़ वाइफ उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया एंड हिज ऑफिस अपने ऑफिस को छोड़ दिया ही हैड अ लिटिल मनी उसके पास थोड़ा सा पैसा था एंड ही स्पेंड टू हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप और उसने यूरोप की विभिन्न राजधानियों में दो साल बड़ी खुशी से बिताए रूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स उसके कारनामों की खबरें अफवाहें रूमर्स रिज्ड पहुँचती थी हिज रिलेशंस उसके रिश्तेदारों के पास पहुँचती रहती थी फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर पहुँचती रहती थी वर प्रोफाउंडली शोक्ड वो अत्यधिक शॉक होते थे दुखी होते थे ही सर्टेनली हैड ए वेरी गुड टाइम निश्चय ही वो मौज उड़ा रहा था उसका बहुत अच्छा समय चल रहा था दे शुक वो हिलाते थे देर हेड्स अपना सर हिलाते थे एंड आस्क और ये कहते थे वॉट वुड हैपन क्या होगा वेन जब हिज मनी वॉज स्पेंड क्या होगा जब उसका पैसा खर्च हो जाएगा समाप्त हो जाएगा देसून उन्हें जल्दी ही ये पता चला ही बोरोल्ड कि उसने पैसा उधार लेना शुरू कर दिया है ही वॉज चार्मिंग वो बहुत चार्मिंग था एंड अनस्क्रू प्लस विवेकिन मीन्स नॉट गाइडेड बाई हिज कॉन्सियंस वो चार्मिंग था और विवेकिन फेलो था आई हैव नेवर्स मेट एनी वन मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला टू होम जिसके लिए इट वॉज़ मोर डिफिकल्ट अधिक मुश्किल हो डिफ़िकल्ट हो टू तो रिफ्यूज़ ए लोन मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके लिए टॉम को पैसे देने से मना करना मुश्किल हो ही मेड उसने बना ली थी स्टडी इनकम एक नियमित इनकम बना ली थी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से एक नियमित इनकम बना ली थी एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजीली वो फ्रेंड्स बहुत आसानी से बना लेता था बट ही ऑलवेज सेड वो हमेशा कहा करता था दैट की द मनी पैसा यू स्पेंड जो आप खर्च करते हो ऑन नेसेसिटीज़ ज़रूरत की चीज़ों पर वाज बोरिंग ये बिल्कुल बोरिंग होता है इसमें कोई मज़ा नहीं आता द मनी पैसा दैट वाज एम्यूजिंग टू स्पेंड जिसे खर्च करने में मज़ा आता है वाज द मनी वो पैसा होता है यू स्पेंड जो आप खर्च करते हो ऑन लग्जरीज ऐसो आराम या विलासता की चीज़ों पर जो खर्च करते हो असली पैसा वही है फॉर दिस और इस सब के लिए यानी अपनी विलासता भरी जिंदगी के लिए ही डिपेंडेड वो डिपेंड करता था ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज अपने भाई जॉर्ज पर ही डिड नॉट वेस्ट हिज on हिम और उसने अपना चार्म अपना आकर्षण वेस्ट नहीं किया था पैसे के लिए जॉर्ज वॉज ए सीरियस मैन जॉर्ज एक गंभीर व्यक्ति था गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति था गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति था एंड इनसेंसिबल टू सच enticement, और ऐसे प्रलोभनों के प्रति वो बिल्कुल असंवेदनशील था इनसेंसिबल था जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल वो बहुत सम्मानित था रिस्पेक्टेबल था वंस और ट्वाइस एक या दो बार ही फेल फेल टू मतलब बिकेम प्रे टू वो शिकार हो गया टॉम्स प्रॉमिस ऑफ अमेंडमेंट टॉम के सुधरने के वादों का शिकार भी हो गया टॉम के सुधरने के वादों का शिकार हो गया एंड ही गेव उसने ही गेव हिम कंसीडरेबल सम्स और उसने उसे काफ़ी पैसा भी दे दिया हिम उसे दे दिया कंसीडरेबल काफ़ी रकम दे दी काफ़ी बड़ी अमाउंट दे दिया इन ऑर्डर दैट ताकि ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट ताकि वो एक नया जीवन शुरू कर सके वो सेटल हो जाए ऑफ़ दीज इस पैसे से टॉम बॉट ए मोटर कार टॉम ने एक मोटर कार खरीद ली एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी और कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खरीद ली बट वैन सरकिस फोर्स जॉर्ज टू रियलाइज लेकिन जब परिस्थितियों ने फोर्स किया जॉर्ज को ये रियलाइज़ करने में यानी जब परिस्थिति ने जॉर्ज को ये महसूस करवाया दैट कि हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन कि उसका भाई कभी भी सेटल नहीं होगा तो ही वॉजड हिज हैंड्स ऑफ हिम तो उसने उससे अपने संबंध खत्म कर लिए टॉम विदाउट ए कॉम कॉम कहते हैं बिना किसी झिझक के टॉम ने बिना किसी झिझक के बिगिन टू ब्लैकमेल हिम उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मतलब बिना किसी झिझक के अपने भाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ब्लैकमेल मतलब किसी की कोई कमजोरी जान करके उसका फ़ायदा उठाना अनुचित फ़ायदा उठाना इट वॉज नॉट वेरी नाइस और ये बहुत अच्छी बात नहीं थी फॉर ए रिस्पेक्टफुल लॉयर किसी सम्मानित वकील के लिए टू फाइंड कि वो पाए हिज ब्रदर अपने भाई को शेकिंग काकटेल्स काकटेल्स हिलाते हुए पाए मतलब एक वेटर की नौकरी करते हुए देखे बिहाइंड द बार ऑफ ऑफिस फेवरेट रेस्टोरेंट अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के मदिरा कक्ष में वो वेटर की नौकरी करते हुए देखे उसे कॉकटेल uh, हिलाते हुए देखे और टू सी उसे देखे हिम वेटिंग वेट करते हुए ऑन द बॉक्स सीट ऑफ ए टैक्सी टैक्सी की बॉक्स सीट पर यानी ड्राइवर की सीट पर पैसेंजर्स uh, का वेट करते हुए वे देखें आउटसाइड हिज क्लब अपने क्लब के बाहर टॉम सै टॉम ने कहा डेट की टू सर्व इन ए बार एक बार में सर्विस करना और टू ड्राइव ए टैक्सी और टैक्सी चलाना वॉज परफेक्टली पूरी तरह से डिसेंट ऑक्यूपेशन है एक बहुत ही अच्छा सम्मानित ऑक्युपेशन है काम है मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है बट इफ़ जॉर्ज कोड ओब्लाइज हिम यदि जॉर्ज उस पर आभार कर दे विद ए कपल ऑफ हंड्रेड पॉन्ट्स उसे हंड्रेड पाउंड्स देने का उस पर आभार प्रकट कर दे मतलब उस पर एहसान कर दे तो ही डिड नॉट माइंड उसे बुरा नहीं लगेगा फॉर द ऑनर ऑफ़ द फैमिली परिवार के सम्मान के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा गिविंग इट अप इसे छोड़ना यानी परिवार के सम्मान के लिए उसे इसे छोड़ने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा जॉर्ज पेट जॉर्ज ने पैसे दे दिए वंस एक बार टॉम नियरली वेंट टू प्रिजेंट टॉम लगभग जेल जाने ही वाला था जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट जॉर्ज अत्यधिक अपसेट था ही वेंट इन टू द होल डिस्क्रीडिटेबल अफेयर उसने सम्पूर्ण अपमानजनक मामले की जाँच की थी सच में टॉम हैड गॉन टू फार टॉम्स हद से आगे बढ़ गया था ही हैड बीन विल्ड वो विल्ड था जंगली था थॉटलेस विचारहीन था एंड सेल्फिस था स्वार्थी था बट ही हैड नेवर बीन डन एनीथिंग उसने पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था कभी कोई ऐसा बेईमानी भरा काम नहीं किया था बाय विच जिससे जॉर्ज मीन जॉर्ज का मतलब इलीगल से हो गैर कानूनी काम से हो एंड इफ़ ही वर प्रोसिक्यूटेड यदि उस पर मुकदमा चलता तो he would assuredly be convicted ही वुड एश्योर् बी कन्विक्टेड उसे निश्चय ही अश्योरली निश्चय ही सज़ा मिलती बट यू कांट अलाउ आप कभी अनुमति नहीं दोगे अपने इकलौते भाई को टू गो टू द गोल की वो जेल जाए द मैन वो व्यक्ति टॉम हैड चीटेड जिसे टॉम ने चीट किया था ये मैन एक व्यक्ति था कॉल्ड क्रॉन सो क्रॉन सो नाम का व्यक्ति था वॉज विंडिक्टिव बदला लेने पर उतारू था ही वॉज डिटरमाइन उसने निश्चय कर लिया था टू मेक द मैटर सॉरी टू टेक द मैटर इन टू द कोर्ट मामले को कोर्ट में ले जाने का निश्चय कर लिया था ही सेट उसने कहा कि टॉम वाजे स्काउंटरल टॉम एक दुष्ट व्यक्ति है एंड शुड बी पन उस सजा मिलनी ही चाहिए इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन डील ऑफ ट्रबल इसकी कीमत चुकानी पड़ी जॉर्ज को अत्यधिक कष्ट उठा करके एंड 500 हंड्रेड पाउंड्स टू सेटल द अफेयर इस मामले को सेटल करने के लिए 500 सौ पाउंड दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी आई हैव नेवर सीन मैंने कभी नहीं देखा था हिम उसे इन सच ए रेज रेज मीन्स गुस्से में मैंने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था एज वेन ही हियर जब उसने ये सुना देट की टॉम एंड क्रॉन्सो टॉम और क्रॉन्सो नाम के टॉम और क्रॉन्सो हैड गॉन ऑफ दोनों रफूचक्कर हो गए दोनों दफा हो गए मतलब दोनों भाग गए हैं एक साथ टू द मॉन्टे कॉर्लो भाग गए हैं मतलब साउथ इट एरिया मतलब ये गैम्बलिंग सेंटर है साउथ ईस्ट इन द साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस दोनों मॉन्टे कॉर्लो भाग गए थे एक साथ द मोवमेंट उसी पर चले गए थे द कैस द चेक चेक को कैश करते ही दोनों एक साथ मॉन्टे कॉर्लो भाग गए मतलब मिलकर साजिश किया था दोनों ने दे स्पेंड एप्पी मंथ दियर वहाँ उन्होंने एक महीना बहुत ही खुशी के साथ बिताया सो स्टूडेंट आई शैल हैव टू स्टॉप हीयर एंड आई शैल कंप्लीट दिस लेसन इन माई नेक्स्ट वीडियो सो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अगर तुम्हें ये लेसन अच्छा लगा है कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और स्टूडेंट्स इसके लास्ट में एक एक्सरसाइज एक दी है फिलिंदा ब्लैंक्स की तो इस वीडियो को देख के फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप एक बार वीडियो देखकर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच